नमस्ते, मेरा नाम ऋषि है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिंदी। दोस्तों, हिंदी में हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हम शुरू करने वाले हैं, वो है रस। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बन जाइए। हम बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रस। हम रस स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि रस होता क्या है। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निचोड़। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निचोड़। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नींबू होता है, जब नींबू को क्या करते हैं, हम दबाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, रस निकलता है। मतलब क्या हुआ, उसका निचोड़ निकल के आया। अर्थात उसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो नींबू था उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, उस नींबू के रस में आने वाला है। काय में, नींबू के रस में, ना कि उसके आपको छिलके में मज़ा आएगा, ना ही उसके बीजों में मज़ा आएगा। जैसे कि संतरा होता है, संतरे में भी से भी क्या होता है दोस्तों, रस जब निकलता है तो उस रस में मज़ा आता है, उस रस का आनंद लिया जाता है। तो इसी प्रकार जो रस है, एक काव्य होता है, उसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें आनंद आएगा आपको, जो आपके एकदम अंदर तक आपको ठेस पहुंचाएगा या फिर आपको आप अंदर तक आपको उत्साहित कर देगा, वो होगा आपको रस होगा। रस को क्या बोलते हैं, निचोड़ बोलते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, निचोड़ या फिर आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, या तो आनंद या निचोड़, मतलब मज़ा आता है। जिस भी चीज़ को आपको पढ़ के या सुन करके आता है, आनंद आता है। जैसे कि मैंने एक परिभाषा देखे हम रस की, तो क्या लिखा है, किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं, रस कहते हैं, है ना। देखिए, अब हम पूरी तरह से इस परिभाषा पर प्रकाश डालने वाले हैं, एक एक वर्ड के बारे में पता करेंगे। देखिए, किसी काव्य को, तो दोस्तों ये काव्य क्या है, जैसा कि मैंने पहले वाली क्लासों में आपको बताया है कि काव्य क्या होता है। जैसे कि किसी भी कवि के मन में या लेखक के मन में कोई भाव आता है, है ना, कोई भाव आता है, तो वो उस भाव को क्या करता है, लिखित रूप दे देता है, क्या करता है, लिपिबद्ध कर देता है, लिख देता है। उस भाव को ही क्या कहेंगे, हम काव्य कहेंगे। रस के अंतर्गत उस भाव को ही क्या कहेंगे, काव्य कहेंगे। ये गद्य व पद्य दोनों में हो सकता है, अर्थात या तो वो कहानी के माध्यम से भी हो सकता है या कविता के माध्यम से भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ, काव्य हुआ। किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर किसके मन में, पाठक के मन में, श्रोता के मन में, कवि के मन में, किसी के भी मन में। अभी पाठक, श्रोता या कवि, ये कौन होंगे। अब जैसे कि आप, मैं एक बात बताता हूँ, पाठक कौन होगा, जो समझदार होगा, जिसमें दिमाग होगा, जिसको नॉलेज होगा कि हाँ इसका रस लेना है, इसका आनंद लेना है, इसमें मज़ा आ रहा है। यदि मैं बात करूँ कैसे, जैसे किसी पागल को यदि आप कोई भी एक पंक्तियाँ सुना दो, कोई गाना सुना दो, तो क्या उसको मज़ा आएगा, वो तो पहले से ही हंस रहा है। आप कुछ भी नहीं करोगे वो तो तब भी हंसेगा, पागल तो पागल ही होता है। तो पागल को नहीं, किसको, किसी समझदार व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, जिसको इन सब चीज़ों का क्या हो, ज्ञान हो, रस का ज्ञान हो, कविताओं का ज्ञान हो। जो हम उसको कविता सुना रहे हैं, जो हम काव्य बता रहे हैं, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पाठक के मन में, श्रोता के मन में, जैसे यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, अभी जो मतलब दुनिया में आया है, कुछ साल हुए हैं, एक आध दो साल हुए हैं, अब उसको आप ये सब चीज़ें सुनाओगे, कोई गाना सुनाया आपने, कोई कविता सुनाई आपने उसको, है ना, कि कवि वो मुझसे कह के जाते तो क्या मैं उनके पद की बाधा बनती, तो अब उसको क्या समझ में आ रहा है, बच्चे को तो समझ में नहीं आ रहा ना, तो अब बच्चा भी नहीं होगा उसमें, ना बच्चा होगा ना पागल व्यक्ति होगा, वो समझदार व्यक्ति होगा। तो वो पाठक श्रोता कौन होगा, वो समझदार व्यक्ति जिसको काव्य के बारे में नॉलेज हो, जो काव्य को समझ पाए, वही होगा। तो पाठक किसके मन में, पाठक श्रोता कवि के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, आनंद की अनुभूति की बात हुई, तो हर काव्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति होती है,
हर काव्य को पढ़कर, जैसे कि अभी मैंने एक बोला क्या, जो हमारे प्रसिद्ध जो रचना है कौन सी, कि कवि सखी वो मुझसे कहके जाते, क्या मैं उनके पद की बाधा बनती। तो अब जो यशोधरा हैं वो एक अपनी सखी से बोल रही हैं, हे सखी, यदि जो वो गौतम जी हैं, गौतम बुद्ध हैं, यदि वो घर छोड़ रहे थे उस समय, यदि वो मुझसे बोल के जाते तो क्या मैं उनके रुकावट करती, क्या मैं उनको रोक देती ये सब काम करने के लिए, नहीं रोकती। तो क्या उनको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है, क्या खुशी हो रही है, नहीं हो रही ना। तो अब हर काव्य को पढ़ के आनंद की अनुभूति होती है क्या? देखिए, रस के अंतर्गत मैं आनंद का, इस आनंद का, इस आनंद शब्द का मतलब बताता हूँ क्या होता है। क्या होता है, जब हमको किसी भी सिचुएशन में हमको आनंद आने लगे या उसमें हमको इंटरेस्ट जागने लगे, वही क्या होता है, इसमें आनंद होता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कोई हमसे पूछता है कि भाई साहब आप कैसे हैं, आपके हालचाल क्या हैं। तो अब जो समझदार व्यक्ति क्या बोलता है, यार जिंदगी में गम है, गम में दर्द है, और दर्द में मज़ा है, और हम मज़े में हैं। हम कहाँ हैं, मज़े में हैं, मतलब हम कहाँ हैं, आनंद में हैं। तो ये क्या हुआ, अब उसको गम हो रहा है लेकिन फिर भी क्या है, वो मज़े में है, मतलब आनंद में है। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, हमेशा मैं लड़कियों की बातें करता हूँ, आज मैं दो दोस्तों की बातें करता हूँ, दो बॉय जो आपस में दोस्त थे। एक दोस्त को क्या होता है, जो यंग उम्र के लोग होते हैं, जो यंग एज के होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉलेज टाइम पे कुछ अट्रैक्शन हो जाता है किसी न किसी से, तो वो क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, घटना क्या घटती है कि जो उसका जिसके प्रति वो अट्रैक्शन होता है, आकर्षित होता है, वो उसको किसी के कारणवश छोड़ के चले जाता है, तो उसको दुख होता है। अब वो जाने की घटना अपने मित्र को बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने तो सब उसके साथ अच्छा किया था, उसके बाद भी वो मेरे साथ, मेरे को छोड़ के चली गई, है ना। अब ये बात उस बेचारे दोस्त को तो ठीक है, लेकिन जो श्रोता है, जो उसका दोस्त है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में, अरे यार तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, चल ठीक है, अच्छा फिर फोन आए तो मुझे बताना। अब क्या होता है, अब उसको तो मज़ा आ रहा है, अब वो अगले दिन फिर फोन ला के पूछ रहा है, क्यों कुछ आया क्या फोन, वो क्यों पूछ रहा है, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि उसको उस चीज़ में आनंद आ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है उस चीज़ में, इसीलिए वो बार बार उसको फ़ोन लगा के पूछ रहा है कि क्या हुआ दोस्त, हैं कुछ हुआ क्या आगे, और कुछ तो कुछ दो तीन चार गाली हैं और बाकी तो नहीं। तो उसको क्या आता है, इसमें आनंद आता है। तो मैं आनंद की परिभाषा बता रहा हूं इसमें आपको, कि आनंद मतलब ज़रूरी नहीं आपको खुशी ही हो, आनंद मतलब जिसमें आपको मज़ा आने लगे। कभी कभी के देखा होगा आपने कि आप जैसे जिस सिचुएशन मैंने आपको बताई, यदि वो मित्र जो है जिसके साथ, जिस लड़की के साथ उसका जो टूटा है रिश्ता, तो अब क्या होता है, अब वो लड़का बड़ा डिप्रेश है ना, वो क्या करेगा, घर जाएगा, वो गाने सुनने लगेगा, कोई बेवफाई वाले पूरे गाने सुनने लगेगा। तो वो गाने क्यों सुन रहा है, क्योंकि उसको उस गाने सुनने में उसको मज़ा आ रहा है, इसलिए वो सुनेगा। तन्हाई तन्हाई तन्हाई, चारों तरफ क्या दिखी है उसको, तन्हाई, मतलब अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, इसलिए वो उस प्रकार के गाने सुन रहा है। तो वो क्या हुआ, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, उस समय के लिए आनंद हो जाएगा। तो क्या बताया मैंने, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर मन में, किसके मन में, मैं यह इसको लिख देता हूं, किसके मन में नहीं लिख दो, यहां पर लिख दो, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में, इस जगह पे क्या लिखना है अपन को, सहृदय के हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, रस कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं हम, रस कहते हैं। आया समझ में, इसे ही क्या कहते हैं हम, रस कहते हैं। ये तो हुई रस की परिभाषा, ये क्या हुई, रस की परिभाषा, आ रहा है ना। रस कई प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे अभी उनके संख्या पे हम बात करने वाले हैं, है ना। ये हुई परिभाषा रस की। यदि मैं बात करूं रस की संख्या कितनी होती है, है ना, बड़ा ही मतभेद है इन सब बातों में कि रस की संख्या कितनी होती है। तो देखिएगा, मैं बताने वाला हूं रस की संख्या। रस के पहले मैं प्रवर्तक की बात करूं, रस के जो प्रवर्तक हैं, जो इसके जन्मदाता हैं रस के, वो हैं भरत मुनि, आचार्य
भरत मुनि पहली ईस्वी में, मतलब पहली ईस्वी में इन्होंने एक नाट्य शास्त्र नामक रचना की। काय की? नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा, उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि क्या रस, उसके अंदर इन्होंने क्या बताया रस क्या होता है, रस के बारे में इन्होंने विस्तृत चर्चा की। तो इसीलिए भरत मुनि को रस का प्रवर्तक माना जाता है। उसी प्रकार मैंने बताया था रस के प्रवर्तक तो हो गए कौन, भरत मुनि। तो मैंने बता चुका हूं छंद के कौन है, फिर छंद के हैं आपके कौन, पिंगल मुनि, पिंगल मुनि, और अलंकार के, अलंकार के कौन है, भामा आचार्य भामा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो प्रवर्तक जो रस के हैं वो हैं भरत मुनि, छंद हम पढ़ चुके हैं, छंद के हैं पिंगल मुनि, और अलंकार जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो हैं भामा। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में जो काव्य होता है, काव्य के अंदर जो प्रमुख अंग हैं, काव्य के जो प्रमुख अंग हैं, काव्य को जो अच्छा बनाते हैं, जो इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जो रोचक बनाते हैं, वो प्रमुख ये तीन हैं, कौन, छंद, रस, छंद और अलंकार। इन तीनों के प्रवर्तक हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भरत मुनि जो रस के प्रवर्तक हैं, इन्होंने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की, या पूछेंगे कि भरत मुनि का जो ग्रंथ है जिसके अंदर रस का विस्तृत वर्णन दिया गया है वो कौन सा है, तो नाट्यशास्त्र है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम, रस की संख्या यदि मैं बात करूं तो देखिए रस के प्रवर्तक भरत मुनि, तो भरत मुनि ने रस कितने प्रकार के बताए हैं, भरत मुनि ने जो रसों की संख्या बताई है, भरत मुनि ने रस की संख्या जो बताई है वो बताई है कितनी, आठ, कितनी बताई है, आठ बताई है, ठीक है। कई बुकों में आपको नौ भी मिलता है, दस ग्यारह मिलते हैं, ये तीन आपको अंक देखने को मिलेंगे रस के संदर्भ में, क्या क्या, कि रस की संख्या आठ देखने को मिलेगी, रस की संख्या नौ देखने को मिलेगी, रस की संख्या ग्यारह देखने को मिलने वाली है, और मैं बताने वाला हूं ये क्यों मिलती है, है ना। सबसे पहले तो मैंने बताया कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, यदि क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि आचार्य भरत मुनि द्वारा रसों की संख्या कितनी होती है, या फिर जितने रस उतने ही स्थाई भाव होते हैं, अभी हम रस के अंगों पर चर्चा करेंगे, तो उसमें रस का एक अंग कौन सा है, स्थाई भाव, स्थाई भाव की संख्या भी रस के बराबर होती है। यदि यदि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आठ है तो स्थाई भावों की संख्या भी आठ ही होगी, ये भरत मुनि के अनुसार है, ठीक है। ये तो हो गई भरत मुनि के अनुसार, क्वेश्चन क्लियर है पहला। देखिए मैं इतना यहां पे इतना जोर ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से बनता है क्वेश्चन, एमपीएसआई और यूपीएसआई और टीजीटी पीजीटी, है ना, सीटेट, ये सारे एग्जाम्स में जो हिंदी में पूछे जाते हैं रस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो हमको ये डिटेल में पढ़ना है। रस की संख्या भरत मुनि के अनुसार आठ, भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है, भरत मुनि ने कौन सा, शांत रस को, शांत रस को, शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई ये तो कोई नाटक का रस है, ये नाटक का रस है, इसलिए इन्होंने इसको रस नहीं माना है, है ना। तो यदि पूछा जाएगा कि रस की संख्या, भरत मुनि का नाम नहीं है क्वेश्चन पेपर में, भरत मुनि का नाम नहीं है, और आपसे पूछ लिया गया कि रस की संख्या कितनी होती है या स्थाई भावों की संख्या कितनी है, तो वो आंसर आएगा आपका नो, क्या आएगा, नो, बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि रस की अधिकतम संख्या कितनी होती है, रस की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 11। नौवा रस, देखिए नौवा रस भी बोला जाता है, याद रखिएगा शांत रस को नौवे रस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना,
तो नौवें रस के रूप में शांत रस को बोला जाता है। याद रखिएगा, नौवां रस मतलब शांत रस। ऐसा इसका मतलब यह नहीं कि आठवां अलग होगा, सातवां अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नौवें रस की बात होती है। किसकी? नौवें, ना दसवें की, ना ग्यारहवें की, ना एक से लेकर आठ तक की, सिर्फ और सिर्फ नौवें रस पूछा जाता है। नौवां रस शांत रस, ठीक है ना। अधिकतम मैंने बोला 11, अधिकतम मैंने बोला 11। कौन कौन से रस? एक आपका कौन सा? वत्सल्य। एक कौन सा आपका? भक्ति। दो प्रमुख रस, एक आपका कौन सा? वत्सल्य रस, एक आपका भक्ति रस। 9 और 10 देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक हम सबसे जो पहले रस पढ़ते हैं, जो रसराज भी कहा जाता है, जो होता है कौन सा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है ना। श्रृंगार रस हम बढ़ेंगे इसको भी डिटेल में। श्रृंगार रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है क्या? रति। क्या होता है? रति होता है। रति मतलब होता है प्रेम। रति मतलब क्या होता है? प्रेम। श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या हुआ? रति। रति अर्थात प्रेम। देखिए, जिन भी कवियों ने, जिन भी आचार्यों ने रसों की संख्या 9 बताई है या फिर 8 बताई है, 9 बताई है या 8 बताई है, उन्होंने वत्सल्य और भक्ति रस को किसके अंतर्गत माना है? श्रृंगार रस के अंतर्गत माना है। क्यों? सवाल खड़ा होता है ऐसा क्यों? देखिए, वत्सल्य रस और भक्ति रस, इसका मैं स्थाई भाव बताता हूं पहले। वत्सल्य का जो स्थाई भाव होता है वो होता है क्या? संतान विषयक रस, संतान विषयक रति, संतान विषयक रति। और भक्ति रस का जो स्थाई भाव होता है वो होता है ईश विषयक रति। संतान विषयक रति और ईश विषयक रति। तो वत्सल्य रस के और भक्ति रस, दो रस, इनको कई कवि कहां पे जो 9 मानते हैं या 8 मानते हैं वो श्रृंगार रस के अंतर्गत रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि देखिए, इसका भी रति है, इसका भी रति है और इसका भी रति है, तो ये प्रेम ही है। ये क्या है? प्रेम ही है। जिन भी कवि ने इसको, किसको? वत्सल्य और भक्ति रस को अलग माना है, अलग माना है, मतलब 11 रस बताए हैं, वो लोग इसको रस के, श्रृंगार रस के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वो ऐसा, उनका मानना ऐसा है, श्रृंगार के अंतर्गत वासना होती है। श्रृंगार के अंतर्गत क्या होती है? वासना होती है। इसीलिए वत्सल्य मतलब होता है बच्चों से प्रेम, माँ का बच्चे से प्रेम बताया जाएगा उसके अंतर्गत। तो बच्चों से प्रेम करने में या ईश्वर से प्रेम करने के अंतर्गत वासना का कोई काम नहीं है। इसीलिए इन दोनों रसों को श्रृंगार रस के अंतर्गत नहीं रखा गया है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, यदि मेरी बात समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें व्यूज़ दिलाएं। ठीक है दोस्तों।